किशनगंज जिले में महानंदा नदी के रमणीक किंतु वीरान तट से गुजरते हुए एक भविष्य दृष्टा ने इस स्थान पर एक भव्य संस्थान खोलने का सपना देखा था। आज वह भव्य संस्थान डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय के रूप में धरातल पर है और वे भविष्य दृष्टा थे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। सेवा यात्रा के दौरान किशनगंज आया हुआ था, तो जब हम यहाँ घूम रहे थे तो मेरे मन में वो बात आ रही थी कि कृषि से संबंधित कॉलेज और इंस्टीट्यूट कुछ बनाना चाहिए, और यहाँ जब जगह हमने देखी तो मेरा मन पक्का हो गया। 11 जनवरी सन 2014 ठीक इसी महानंदा के तट पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषि महाविद्यालय की आधारशिला रखी गई। रिकॉर्ड 2 वर्षों में विशाल संरचनाओं के साथ महाविद्यालय ने आकार लिया और शैक्षणिक गतिविधियां भी शुरू हो गई। आधारशिला रखने से चंद वर्षों में यह सपनों का महाविद्यालय डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय के रूप में धरातल पर है। करीब 350 एकड़ के परिसर में आज लगभग सभी संरचनाएं बनकर तैयार हैं। आधुनिक स्थापत्य कला पर आधारित बनी ये इमारतें हमें गौरव का एहसास कराती है। आइए हम डॉक्टर कलाम महाविद्यालय की आधारभूत संरचनाओं, शैक्षणिक शोध और प्रसार गतिविधियों की एक झलक देखते हैं। लगभग 350 एकड़ में बने डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय के इस विशाल परिसर में बनी हुई तमाम संरचनाएं जैसे शैक्षणिक जोन, आवासीय सुविधाएं और अन्य फार्म्स बनकर तैयार हैं। शैक्षणिक जोन का प्रशासनिक भवन स्टेट ऑफ आर्ट के तर्ज पर बना हुआ है। 3 खंडों में बने इस भवन में 742 कमरे हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय व्याख्यान कक्ष, परीक्षा कक्ष और कंप्यूटर केंद्र बने हुए हैं। इस भव्य प्रशासनिक भवन में कार्य सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। इसकी बेहतरीन वास्तु और भव्यता किसी अंतरराष्ट्रीय संस्थान होने का एहसास कराती है। यहाँ हॉर्टिकल्चर यूनिट, पशु और मत्स्यकी इकाई, रेशम कीड़े पालन पर एक उन्नत केंद्र, यहाँ की प्रयोगशालाएं भी पूरी तरह बनकर तैयार है। छात्र छात्राओं के लिए शानदार छात्रावास, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए बना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस परिसर में छात्रों और सभी कर्मियों के लिए एक चिकित्सा केंद्र भी है। यहाँ रहने वाले शिक्षकों और कर्मियों के बच्चों के लिए परिसर में ही एक शानदार स्कूल है। सुविधा केंद्र और कर्मचारी समुदाय केंद्र भी बनाई गई है। सभी वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन पूर्ण रूप से तैयार है। परिसर का शानदार अतिथि गृह अपने अतिथियों के इंतजार में रहता है। परिसर में आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है यहाँ बनकर तैयार हुआ मुख्य सभागार। इस सभागार में 450 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ लगे उत्तम गुणवत्ता के उपकरणों, लाइट और साउंड सिस्टम यहाँ किसी विश्व स्तरीय सभागार का अनुभव देता है। आने वाले दिनों में महाविद्यालय की भव्यता को महानंदा के किनारे बनने वाले रिवर फ्रंट 2 गुनी कर देगा। रिवर फ्रंट बनाने का कार्य भी अंतिम चरण में है। इस महाविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा प्रदान करना। 2015-16 से कृषि स्नातक का अध्ययन और अध्यापन का कार्यक्रम शुरू हो गया। अभी 7वें सेमेस्टर तक की पढ़ाई हो रही है। 8वें सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। अभी 225 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। रावे कार्यक्रम के तहत यहां की छात्र छात्राएं गांव में प्रायोगिक शिक्षा के लिए जा रहे हैं। शोध के लिए डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में बेहतरीन प्रयोगशालाएं और 56 हेक्टेयर का परिक्षेत्र है। यहाँ शोध परियोजना के तहत भूमि प्रबंधन, बोरो धान उत्पादन और अनानास के साथ ड्रैगन फ्रूट उत्पादन पर कई शोध चल रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ एक्वा हॉर्टिकल्चर जैसे सिंघाड़ा उत्पादन, मखाना और कमल ककड़ी उत्पादन के लिए कार्य किया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र महानंदा नदी के बेसिन पर स्थित है।
अतः यहाँ के लिए उपयुक्त फसलों की किस्मों के विकास पर शोध केंद्रित किया जाएगा। प्रसार यानी वैज्ञानिक शोध और खेती के उन्नत तरीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए महाविद्यालय तेजी से कार्य कर रही है। महाविद्यालय में पिछले दिनों BSDM यानी कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किए गए। किसानों तक पहुंच बनाने के लिए और उन्हें समस्याओं से त्वरित समाधान देने के लिए किशनगंज जिले में कई किसान चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं किसानों को मोबाइल पर मौसम और फसलों के बारे में सलाह दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए कई TSP यानी ट्राइबल सब प्लान कार्यक्रम आयोजित किए गए। किशनगंज के कई किसानों की सफलता की कहानियों से देश दुनिया को वीडियो फिल्म के माध्यम से अवगत कराया गया, जिसे कि YouTube पर लाखों बार दुनिया भर के लोगों ने देखा और सराहा। बिहार राज्य और किशनगंज जिला आज अपने इस कृषि महाविद्यालय पर नाज करता है। अस्तित्व में आने के साथ ही बहुत ही कम समय में यह महाविद्यालय आज अगर धरातल पर विशाल संरचनाओं के साथ खड़ी है तो इसका पूरा श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री को। एक ही नज़र में जमीन का चयन, शिलान्यास, शुभारंभ और हर समय यहाँ के निर्माण कार्यों पर नजर बनाए रखने का प्रतिफल है कि महानंदा के हार के रूप में डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय आज विराजमान है। शिलान्यास से अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ 3 दौरे किए हैं जो इस प्रकार है। जिस चीज के बारे में सोचिए उसको करने का अवसर मिले, वो मूर्त रूप ले आंख के सामने देख रहे हैं। इतना चारों तरफ युद्ध स्तर पर निर्माण का कार्य हो रहा है, मन को बहुत बेहद खुशी होती है, तसल्ली होती है। आप सबको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये जो कृषि महाविद्यालय से पढ़ाई शुरू होगी और यह सब आपको मैं अर्पित करता हूं, इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ जो काम होगा, जो तकनीकी का इजाद होगा, जो लोग बताएंगे, उसका बहुत फायदा आप सबको मिलेगा, इसका लाभ उठाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ही समाप्त। तरह तरह की खेती जो यहाँ हो रही है, इन सब चीजों को देख कर मेरे मन में कुछ बात थी। तो हमने उस समय सोच रखा था, हमने किसी को बताया नहीं था, लेकिन जब जमीन हमको यहाँ दिख गई तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो कृषि का संस्थान हम लोग इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। और तब जाकर के उसी समय हमने ऐलान किया कि यहाँ बनेगा कृषि कॉलेज। और आप सब जानते हैं कि जब कॉलेज बन रहा था तो कलाम साहब चल बसे, तो हमने तत्काल इस कॉलेज का नामकरण उनके नाम पर कर दिया और इस कॉलेज इसका शिलान्यास करने भी और बाद में भी देखने आए, कुछ बिल्डिंग का उद्घाटन करने भी आए थे, जहाँ तक हमको याद है अगस्त 2015 में। तो हम कई बार आ चुके और इधर काफ़ी दिन हो गया था, हमारे एक इसकी समीक्षा भी हमने की थी और उस समय जो बात आई थी, हमने कहा कि इतना बड़ा ये कैंपस है और इतने बिल्डिंग बन रहे हैं कि यहाँ कृषि इंस्टीट्यूशन का, कॉलेज का कुछ और विस्तार हम लोग कर सकते हैं, कुछ और अतिरिक्त। अब ये बोल रहे थे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, हमने कहा कि यहाँ पर बहुत काम संभव है।